नमस्कार, एक बार फिर आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर नितिन दीपक, पहले भी फ़ोटोशॉप के वर्जन्स को लेकर और फ़ोटोशॉप के एनवायरनमेंट को लेकर हमने लेक्चर्स आपके सामने रखे थे। आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक फ़ोटोशॉप का एक और लेक्चर लेकर, जहाँ पर हमें को ये सीखने को मिलेगा कि फ़ोटोशॉप पे सेलेक्शन टूल के माध्यम से काम कैसे किया जाता है और उसके कैसे कैसे आयाम सामने आ सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, उसी पर हम बात करेंगे आज सिलेक्शन टूल के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं सिलेक्शन टूल कहाँ की बात कर रहे हैं। ये एक मार्की सिलेक्शन टूल, जो मूव टूल के जस्ट बाद सेकंड टूल है टूल बार के अंदर, उसको मार्की टूल बोलते हैं। उसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, एलिप्टिकल मार्की सिलेक्शन टूल है, ऐसी कॉलम वाइज टूल है, रो सिलेक्शन टूल है। तो हम लोग जो बात करेंगे वो मार्की टूल की बेसिकली बात करेंगे। इसमें आप इस आपके सामने पीपीटी पे देखिए एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इस पर हम काम करेंगे, कुछ देखते हैं कैसे होगा। हमने मार्की टूल सेलेक्ट किया तो उसमें हमारा पहला जो मार्की टूल है उसको रेक्टेंगुलर मार्की टूल कहते हैं, क्योंकि वो आपको रेक्टेंगल शेप में या स्क्वायर शेप में ही सेलेक्ट करने का परमिशन देता है। इसमें अब आप देखेंगे कि हमने उसको सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम ड्रैग करेंगे, जितना भी पिक्चर को आपको सेलेक्ट करना है आप उसको उतना ड्रैग कर लीजिए। हमने उस रीजन को सेलेक्ट करके ड्रैग कर लिया है। अब इस पर हम इमेज में एक ऑप्शन है एडजस्टमेंट, वहाँ पर हम जाएंगे, और एक ऑप्शन है डीसेचुरेट। डीसेचुरेट क्या करता है कि जहाँ पर आपके जो कलर्स हैं उन सबको सेम कर देता है। इसका मतलब क्या है, ग्रे शेड में कन्वर्ट आपको कर देगा। तो हमने जितना एरिया हमने इमेज का सेलेक्ट किया है ये उतने ही एरिया पे काम करेगा, क्योंकि हमने सिलेक्शन उसको बताया है सिस्टम को कि हमने इतना एरिया सेलेक्ट किया है। तो जैसे ही आप डीसेचुरेट प्रेस करेंगे तो वो उतना एरिया आपको ग्रे शेड में देगा, जिसको हम ब्लैक एंड वाइट के रूप में देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर हम जो हमारा सिलेक्शन टूल से जो सिलेक्शन आ रहा है उसको हटा भी सकते हैं। कंट्रोल प्लस डी आप करेंगे तो वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप डी सेलेक्ट करते हैं और फिर आप क्या जाते हैं, मार्की टूल पर जाएंगे। अब किसे हम इलेप्टिकल मार्की टूल लाते हैं, जो सर्कुलर फैशन में सेलेक्ट करने का हमें प्रावधान देता है। अब इसके माध्यम से हम देखेंगे कि सर्कुलर फैशन में भी हम कोई चेंजेस कर सकते हैं इस पिक्चर पर। तो हम सर्कुलर फैशन को लेंगे, इलेप्टिकल मार्की टूल को ड्रैग करके लाएंगे और ड्रैग करेंगे और एक सर्किल जनरेट करेंगे, जैसा अभी आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर से हम वहाँ पर जाएंगे इमेज में, एडजस्टमेंट में, और अब जो हमारे पास टूल है वो है कलर बैलेंस। हम इस जगह का कलर बैलेंस में कुछ चेंजेस करेंगे, उसके कलर में कुछ चेंजेस करेंगे। अब जो सिलेक्शन है हमारा वो ब्लैक एंड वाइट के ऊपर भी आ रहा है और कलर के ऊपर भी आ रहा है। जैसे हम कलर बैलेंस करते हैं तो एक पैलेट खुलता है जिसमें आपको कलर को ऊपर नीचे करने का, आगे पीछे करने का ऑप्शन देता है, यहाँ तक कि आप वैल्यूज़ पे भी डायरेक्टली काम कर सकते हैं। तो उसको हम थोड़ा आगे पीछे करेंगे और हम कलर को चेंजेस करेंगे। चेंजेस करते हुए एक चेकबॉक्स है राइट हैंड साइड में बटन्स के नीचे, जहाँ पर कहता है कि प्रीव्यू। अब प्रीव्यू का मतलब क्या है कि जो भी आप काम करेंगे इस पैलेट पर वो आपको डायरेक्टली दिखेगा भी। अगर आप प्रीव्यू हटा देंगे तो वो आपको नहीं दिखेगा, वो ओके करने के बाद दिखेगा, लेकिन यहाँ लाइव हैंड टू हैंड जो भी आप चेंजेस करेंगे वो आपको करके दिखाता रहेगा और आपको दिखता रहेगा। जैसा आपको चाहिए अब ऐसा करें और ओके क्लिक कर दें। उसके बाद सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करके कंट्रोल डी करके आप बाहर आ जाएं। अब हमारा नेक्स्ट जो सिलेक्शन टूल है, अब देखिए जो हमने सेलेक्ट टूल हमने इस्तेमाल किया था, मार्की टूल सेलेक्ट किया था, जो रेक्टेंगुलर फैशन में सेलेक्ट करता था, एग्जाम्पल दिया हमने ब्लैक एंड वाइट का। फिर हमने इलेप्टिकल से सेलेक्ट किया, उसको हमने एग्जाम्पल दिया था, जो हमने दोनों पर हमने सेलेक्ट किया, पिक्चर वही है, लेयर चेंज नहीं किया, इसलिए सारे चीज़ें उसी लेयर पे काम चल रहा है, उसको मैं बदलाव नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं अंडू ज़रूर कर सकता हूँ। अब लासो टूल की क्या उपयोगिता है, क्या इंपॉर्टेंस है, कि मैं सिर्फ रेक्टेंगुलर या इलेप्टिकल शेप के बाहर जाके मैं किसी भी शेप में उसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं लासो टूल से ये काम कर सकता हूँ। लासो टूल में भी हमारे पास और बहुत सारे टूल हैं, जैसे पॉलीगन है, मैग्नेटिक है, लेकिन आज हम सिर्फ फ्री फ्रॉम लासो टूल की बात करेंगे, जो बस आप प्रेस करें और अपने हाथ को चलाते रहें जिस शेप में आपको चाहिए और उसको सेलेक्ट कर लें। लासो टूल का सिलेक्शन का तरीका क्या है, जहाँ से जिस पॉइंट से आप उसको शुरू करेंगे आपको उसी पॉइंट पर आके उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तब वो सही सिलेक्शन आपको देता है, अन्यथा वो जहाँ पर छोड़ेंगे वो अपने आप एक सीधी रेखा बनाता है और सिलेक्शन ख़राब करता है। तो बेहतर यह है कि शुरुआत जहाँ से करेंगे वहीं पर सिलेक्शन को लाके ख़त्म भी करेंगे। मैं यहाँ पर क्या स्टार्ट करता हूँ, मैं लासो टूल से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और एन
एन फॉर नितिन, एन बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ड्राइंग पैटर्न पे जो कर्सिव जैसा लगेगा और मोनोटाइप कोर्सवा जैसा भी फीलिंग आता है उसमें। तो हमने लासो टूल से सेलेक्ट किया और हमने एक एन उसको बना दिया, जो आप देख रहे होंगे मार्चिंग आर्ट्स के माध्यम से आपको दिख रहा है वो, तो एन हमने सेलेक्ट किया था। अब हमारा पिक्चर एन के रूप में सेलेक्ट हो गया है, तो जितना एरिया मैंने एन में सेलेक्ट किया है मैं उस पर काम कर सकता हूँ। अब मैं लेयर्स पर काम करता हूँ, इसी के माध्यम से कुछ चेंजेस करके आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने क्या करा, इसको कर लिया हमने, इसको अब हम करेंगे कॉपी, हम इस सिलेक्शन को कॉपी कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सी। दूसरा तरीका क्या है कि आप एडिट मेन्यू में जाएं और कॉपी पर क्लिक कर दें, और या फिर शॉर्टकट की से कंट्रोल सी से उसको कॉपी कर लें जैसे सब में होता है विंडोज़ के अंदर, और फिर बाद में उसी जगह पर जहां पर कंट्रोल सी किया था बस तुरंत ही आप वहां पर उसको पेस्ट भी कर दीजिए, जो हम कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं और एडिट में जाके पेस्ट से भी कर सकते हैं जैसे कि आप पीपीटी में देख रहे हैं। तो हमने कंट्रोल वी किया और देखिए जैसे ही कंट्रोल वी करेंगे तो एक राइट हैंड साइड पे लेयर पैलेट में एक नया लेयर बन गया है जो लेयर वन के नाम से आ गया है। इसका मतलब जो इमेज के ऊपर हमने कॉपी किया था वो लेयर वन में आ गया है एन, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि एग्जैक्टली वो वहीं पे रखा हुआ है जहाँ पर वो पिक्चर थी, तो उसके ऊपर वो ओवरलैप हो गया है जो आपको नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा उसको टिल्ट करूँगा, इधर शिफ्ट करूँगा, तो आपको खुद चेंजेस नज़र आएंगे। देखिए पेड़ थोड़ा सा अलग दिख रहा है, इसका मतलब मैंने उस लेयर को थोड़ा शिफ्ट किया है, इस कारण से वैसा दिख रहा है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये देख लीजिए, ये एन आपके सामने आ चुका है जो नेक्स्ट लेयर पे है। आप जो लेयर की आईज आपको दिख रही है लेयर के साथ, उसे बंद करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। अब आगे हम चलते हैं, इसमें हम लेयर पे क्लिक करेंगे, पहले लेयर सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें एन वाली लेयर पे काम करना है, लेयर वन पे, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे आप। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है वहीं पर, लेयर स्टाइल, ऐड लेयर स्टाइल। अब मैं लेयर पर कुछ स्टाइल ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं उस पर लेयर स्टाइल करूंगा और स्ट्रोक एक ऑप्शन है उसमें, स्ट्रोक दूंगा। इससे पता लग जाएगा मेरा एन कहाँ पर है, तो और थोड़ा इफेक्ट भी साथ में उसके साथ साथ चलेगा। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। स्ट्रोक पे क्लिक करते ही हमारे पास एक पैलेट खुल जाएगा जहाँ पर मैं स्ट्रोक का कलर वाइट चूज़ कर लूँगा। अभी डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक आ रहा होगा तो उसको हम वाइट चूज़ कर लेंगे। तो देखिए आपको एन दिखने लगा, एन दिख क्यों रहा है हाथों हाथ, क्योंकि वो बटन के नीचे प्रीव्यू का ऑप्शन है जो कहता है कि आप काम करते जाएँ साथ साथ वो दिखाएगा। तो हमने वाइट कलर पर वहाँ पर चूज़ किया है और वाइट कलर में देखिए आपको एन दिख रहा है। अब यहाँ पर आप वाइट कलर चूज़ करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे, इसी में एक ऑप्शन ऊपर है ड्रॉप शेडो। अब मैं एन के पीछे कुछ शेडो देना चाहता हूँ, वो इफेक्ट यहाँ पर देंगे। ये लेयर स्टाइल, ये लेयर पर स्टाइल्स फॉलो करने के तरीके हैं, इसको बोलते हैं ऐड लेयर स्टाइल। तो हमें ड्रॉप शेडो देंगे तो आपको एक शेडो जैसा चीज़ नज़र आएगी जो ब्लैक कलर की है, वहाँ पर कलर का ऑप्शन भी दे रखा है, आप उस शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा पिक्चर ऐसा है डार्क कलर का, इस पर अगर मैं ब्लैक शेडो दूंगा तो वो शेडो ब्लैक जैसी ही लगनी चाहिए, परछाई होती है, तो इसलिए उसका कलर हमने ब्लैक लिया है। मैं उसका डिस्टेंस चेंज कर सकता हूँ, मैं उसके शेडो की वेरिएशंस दे सकता हूँ, शेडो को बढ़ा सकता हूँ, शेडो की डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपके सामने आपको दिख रहे हैं। अब मैं इसको ओके करूँगा, अब देखिए आपका जो एन है उसके पीछे आपको शेडो दिख रही है, वो शेडो। अब ये जो इफेक्ट आया है जिस पर एन लिखा हुआ है, ये क्यों आया है, दिस बिकॉज ऑफ द ऑप्शन कॉल्ड लासो टूल। मैंने लासो के हिसाब से काम करके आपको दिखाया। तो हमने क्या क्या सीखा यहाँ पर, एक तो आपका सिलेक्शन टूल जो मार्की टूल था जिसमें दो तरह के थे, एक रेक्टेंगल था और एक आपका इलेप्टिकल टूल था जो सर्कुलर फैशन में सेलेक्ट करता था। लेकिन उसकी अपनी एक लिमिटेशन है कि मैं रेक्टेंगल और सिलेक्शन के अलावा और कोई सिलेक्शन कर नहीं पा रहा था। तो मेरे पास एक टूल और है फोटोशॉप के अंदर जिसको बोलते हैं लासो टूल। उसमें भी तीन तरह के हैं, लासो है, पॉलीगन है और मैग्नेटिक है। लेकिन हमने अभी फ्री फ्रॉम लासो टूल पे काम करना आपको बताया, जो बहुत ज़रूरी है। आप लासो टूल पे अपने प्रैक्टिस कीजिए तो आप इस तरह के इफेक्ट दे सकते हैं। ये तो एक तरीका था, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट आप इसके अंदर दे सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन था वो ये था कि हम कैसे कैनवास खोलेंगे और किस तरीके से हम सिलेक्शन एक इमेज पर कर सकते हैं, और सही माने में एक चीज़ और हमने देखी कि हम फोटो पर एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। ये पहली सीडी थी इस फोटोशॉप पर एडिटिंग करने की, और इस फाइल को अब अपने जो नाम आपने कैनवास पर दिया था उसको सेव कर सकते हैं। फाइल में जाएँ, इसको सेव करें, .psd फॉर्मेट में सेव कर लीजिएगा, ओरिजिनल फाइल आपका सेव हो जाएगा। धन्यवाद आज के इस लेक्चर के लिए।